अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम रशीद लिम्बादा है और आज के वीडियो का टॉपिक है मेरे पास दिमागी बीमारी है लेकिन मैं बातचीत करना नहीं चाहता और नहीं चाहता कि लोगों को पता चले। सबसे पहले हम देखेंगे कि वे लोग दिमागी बीमारी के बारे में क्यों बातचीत नहीं करते। पहली वजह हो सकती है शर्म या डर की वजह से। मुआशरा की परवरिश इस तरह हुई है कि वो इस मौजू पर गुफ्तगू नहीं करते। ये एक ममनू मौजू समझा जाता है। लोगों का ये ख्याल है कि इस बीमारी को छुपाना चाहिए। दिमागी बीमारी को एक शर्म की बात समझी जाती है और छुपाई जाती है ताकि खानदान का नाम बदनाम न हो। दूसरी एक वजह हो सकती है कि दिमागी बीमारी के वजूहात लोग समझते नहीं। जहनी बीमारी के साथ जो राज का मुआशरा है उसकी एक वजह गलत फहमियाँ है जो कई सालों से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। लोग समझते हैं कि डॉक्टर के पास जाने का कोई फायदा नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। दिमागी बीमारी की वजूहात के बारे में अक्सर गलत फहमियाँ पाई जाती है। लोग कहते हैं कि उसको जादू हो गया, उसको ऊपर वाले की मर्जी है या खानदानी बीमारी है। इन गलत फहमिया की वजह से सही इलाज तलाश नहीं किया जाता। तीसरी एक वजह हो सकती है कि घर वाले मरीज को रिश्तेदारों से दूरी इख्तियार करवाते हैं अपने मसले छुपाने के लिए। हमारी कम्युनिटी में ये जहनी मरीज की देखभाल करने का खानदान की जिम्मेदारी समझी जाती है। मरीज को कम्युनिटी से अलग थलग रखा जाता है। घर वालों की नीयत अच्छी होती है कि मरीज की हिफाजत के लिए, लेकिन इन हरकत की वजह से बहुत बुरा असर होता है। कभी कभार मरीज अपनी जान भी ले लेता है। पांचवी एक वजह कि शादी के इम्कान को नुकसान पहुंच सकते हैं। लोग सोचते हैं कि खानदान का नाम बदनाम होगा। बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि दिमागी बीमारी को का कोई इलाज नहीं है और वो एक खानदानी बीमारी है। दुल्हन और दुल्हा की फैमिली वाले एक दूसरे के अहले अयाल के बारे में जानकारी करना ये एक आम मामूल है हमारी कम्युनिटी के अंदर। अगर दिमागी बीमारी का पता चला तो रिश्ता शायद कबूल न हो, इसलिए वो बीमारी को लोगों से छुपाते हैं। अब सवाल ये है कि मुझे क्या करना चाहिए। दिमागी बीमारी के मुख्तलिफ इलाजात है और उसको छुपाना बिल्कुल सही नहीं। मदद मांगने से शर्म आना नहीं चाहिए। जनूबी एशियन ऑर्गेनाइजेशन है जो आपकी मदद कर सकते हैं। उनके पास अपने काउंसलर्स होते हैं जो जनूबी एशियन के मुआशरती मसले को समझ सकते हैं। फ्लोरिजन के पास अपने काउंसलर है जो मदद कर सकते हैं। दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि मिस्ट माइंड बंड, कुछ और ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने खुफिया तौर पर वो मदद कर सकते हैं। बातचीत करने से बीमारी का सही इलाज और उसका इलाज ढूंढा जा सकता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जज़ाकअल्लाह फॉर लिसनिंग और दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।